गेट अब तक कुछ देर पहले बंद था, इसको खोल दिया गया है और सिक्योरिटी की तरफ से जो है ड्राइवर को जो मैसेज दे दिया गया है कि वो निकल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ सेकंड्स के अंदर इसी गेट से अमित शाह आपको निकलते हुए नजर आएंगे। अमित शाह ये देखिए, अब यहाँ पर एक बार फिर से मूवमेंट शुरू हुआ, स्वतंत्र देव सिंह हमको नजर आ रहे हैं सामने, और ये देखिए तस्वीरों में स्वतंत्र देव सिंह सामने निकले हैं, और उसके अलावा अब जो है यहाँ पर एक एक करके वो नेता जो अंदर बैठक में मौजूद थे वो निकलना शुरू हो रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात कर सके। स्वतंत्र जी फिलहाल अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो है मूवमेंट शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है साफ तौर पर है कि अमित शाह, जिनका यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि वो कब निकलेंगे, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष निकल गए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ सेकंड के अंदर अमित शाह भी हमको यहाँ नजर आएंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी, दिनेश शर्मा भी, योगी आदित्यनाथ भी। सिक्योरिटी ने पूरा रास्ता क्लियर करवा दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, इससे पहले सुनील बंसल निकले, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह निकले, और अब उम्मीद की जा रही है। ये देखिए ये गेट, ये दरवाजा क्यों महत्वपूर्ण है, ये दरवाजा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब यहाँ पर जो है गाड़ियों का काफिला जो उनके साथ में आया था वो भी अलर्ट कर दिया गया है, वो भी निकलने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि सुनील बंसल अब से करीबन 40 मिनट पहले निकले थे, स्वतंत्र देव सिंह अब निकले हैं, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अमित शाह भी यहां से निकलेंगे, और यहां से लोकभवन जहां पर विधायक पिछले करीबन 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे। करीबन 1 मिनट का वक्त लगेगा क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, अगर हम दूरी के लिहाज से बात करें तो करीबन जो है 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी है। तो ऐसे में अमित शाह जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद में विधायक दल की बैठक शुरू होगी, और विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, या ये कहा जाए कि विधायक दल के नेता के तौर पर उनको जो मान्यता मिलेगी, और उसके बाद में वो जो है पहले अमित शाह जो वहां पर संबोधित करेंगे लोगों को जो विधायक मौजूद है, उसके अलावा बाद में योगी आदित्यनाथ जो विधायकों को, जो विधायक एक बार चुनकर आए हैं बीजेपी के टिकट पर और सहयोगी पार्टियों के जो नेता है उनको संबोधित करेंगे, और उसके बाद में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो आप ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं फोकस में, वही वो जगह है जहाँ से अमित शाह निकल कर आएंगे। यहाँ से 1 मिनट का रास्ता उस जगह, उस हॉल का, जहाँ पर तमाम विधायक इंतजार कर रहे हैं, और वहीं पर वो प्रक्रिया होगी जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। और यहाँ पर अंकित लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारियां दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अमित शाह के इंतजार में वहाँ उनके समर्थक भी मौजूद है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रक्रिया अब जो है शुरू होने को है क्योंकि 5 बजे के बाद वक्त दिया गया था, मुकर्रर किया गया था। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है, महत्वपूर्ण हो जाती है तस्वीर क्योंकि अब 23 घंटे बाद एक बार फिर से योगी की सरकार का वर्जन 2.0 जो है वो शपथ ग्रहण करेगा। पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच हमारी नजर इन तस्वीरों पर लगातार बनी रहेगी। पंकज, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ जब स्वतंत्र देव सिंह वहाँ से निकले हैं, जहाँ बीजेपी ऑफिस, जहाँ बैठक चल रही है अभी भी, अमित शाह वो यहाँ पहुँचे, सुनील बंसल इससे पहले पहुँच चुके हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया था विधायकों को, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों को, कि वो यहाँ पहुँचे। विधायक दल की बैठक में सब लोग पहुँच भी गए हैं। 4 बजे का वक्त था जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पहुँचते और विधायक दल के नए नेता का चुनाव होता, लेकिन अभी तक 5 बजने को आए हैं। विधायक दल की बैठक औपचारिक रूप से शुरुआत उसकी नहीं हुई है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति दिख रही है जहाँ पर कि उनको आना है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और बाकी नेताओं को यहाँ पर माल्यार्पण करना है, और उसके बाद जब वहाँ जाएंगे तब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अंकित भी हमारे साथ, क्योंकि वहां पर अमित शाह निकलेंगे और यहां पर इंतजार देखिए हो रहा है कि अमित शाह निकले, अपनी गाड़ी में बैठे 1 मिनट का वक्त। अंकित, और वहां पर कौन कौन मौजूद हैं अमित शाह के अलावा? रूबिका, फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 लोग महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, पहले सुनील बंसल और दूसरे स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम अभी की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और गृहमंत्री अमित शाह, इतने लोग तो मौजूद है। उसके अलावा संगठन से जुड़े हुए कुछ और लोगों के अंदर होने की जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल अगर हम महत्वपूर्ण चेहरों की बात करते हैं, आज
जो महत्वपूर्ण चेहरे जो अभी विधायक दल की बैठक में भी यहां से जाएंगे वो ये चारों ही लोग हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ जिनको जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है, और उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जिनको लेकर के हमारे सहयोगी विकास भदौरिया और पंकज झा ने जानकारी दी है कि वो जो है वो एक संभावित तौर पर उनका नाम लगभग फाइनल है उपमुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट करेंगे। तो ऐसे में इस बैठक में जो विधायक दल की बैठक होनी है, जो जवान है वो आगे की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, पीछे पलट कर बार बार देखा जा रहा है और वहां लोक भवन में इंतजार हो रहा है बेसब्री से। संजय त्रिपाठी और रणवीर दोनों मेरे सहयोगी वहां लखनऊ में लोक भवन के पास ही मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रणवीर वहां तैयारियां पूरी है, पंकज बता रहे 3 बजे का वक्त दिया था, 5 बज चुके हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त जो है वो 5 बजे का ही है, 5 बजे के आसपास का। बिल्कुल 5 बजे के आसपास का, और देखिए बिल्कुल सामने ये जो सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं ये स्वतंत्र देव सिंह हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अभी अभी लोकभवन पहुंचे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक कौशिक भी दिखाई दे रहे हैं। बाहर लोकभवन के बाहर जहां अटल जी की मूर्ति है वहाँ राधा मोहन सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं जो पहुँच चुके हैं, और अगले कुछ मिनटों में गृहमंत्री अमित शाह, रघुबर दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो बाकी नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि यहाँ पे जो बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तैयारियाँ पूरी हैं, विधायक सारे अंदर जा चुके हैं और विधायकों के कुछ सहयोगी यहाँ पर हैं मौजूद, और इस वक्त बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम एक देखिए, आप स्वतंत्र देव सिंह को जो लगातार उनसे विधायक को के बारे में, मंत्रियों के बारे में जर्नलिस्ट जानना चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए वो निकल गए क्योंकि जानते हैं कि एक ही सवाल है कि कौन बनेगा मंत्री, कौन लेगा शपथ। तो इस सवाल के बीच में आप देखिए कि बाहर यहाँ पर गेट पर भी जो लोगों की आवाजाही थी उस पर फिलहाल जो सिपाही हैं, जो पुलिस के यहाँ पे जवान हैं वो खड़े हैं, बाकी लोगों को यहाँ आने जाने से मना किया गया, जो भी आ रहा है उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल अगले कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, गृहमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले स्वागत होगा, और स्वागत के बाद नेता का चुनाव होगा, और नेता के चुनाव के बाद संबोधन पहले होगा मुख्यमंत्री का, अमित शाह का, और उसके बाद फिर बाकी सारे विधायक यहां से निकलेंगे और फिर तमाम अलग अलग जो बैठकें हैं वो होनी है। तो फिलहाल कुछ मिनटों का इंतज़ार है जब गृहमंत्री और बाकी सारे नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी हम भी उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद कल 22 घंटे के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसके बाद जो चुनी हुई सरकार और चुने हुए विधायक अपना अपना काम संभालते हुए जिस सभा में, जिस विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जिस जगह से नए नए बिल और जनता के लिए काम करने के मसौदे निकलेंगे वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश, और अखिलेश के साथ मौजूद है विकास भदौरिया। ये बता दूं लोक भवन में ही संजय त्रिपाठी भी मौजूद है, लेकिन एक बार रुक जरा संजय त्रिपाठी का कर लेते हैं क्योंकि वो बार बार पीछे पलट कर देख रहे हैं, माने कुछ जानकारी और खबर देने की कोशिश हो रही है। संजय आप भी लोक भवन में मौजूद है, क्या मूवमेंट वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल रूप का लोक भवन में मौजूद हैं, 272 विधायक भीतर बैठे हैं, सिर्फ एक विधायक का इंतजार है और वो है गोरखपुर विधायक योगी आदित्यनाथ, हर नज़र उन्हीं पर है और इंतज़ार किया जा रहा लगातार कि कब योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो आएंगे तो उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री और पर्यवेक्षक अमित शाह आएंगे, इसके अलावा राधा डिप्टी सीएम दोनों आएंगे, और साथ ही साथ जो रघुवर दास हैं वो आएंगे, तो इन सारे चेहरों का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन सबसे अहम है योगी आदित्यनाथ का चेहरा, क्योंकि आज यहाँ औपचारिक ऐलान होना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ जब लोक भवन में गाड़ियाँ आएँ, क्योंकि भाजपा की दफ्तर से अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए हुए हैं, और उसके बाद उस तरफ की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह खड़े हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ आते ही सबसे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये बड़ी सी मूर्ति देख रही हैं आप, यहाँ पर प्रतिमा आपका रुख होगा, लेकिन जैसा बताया कि 3 सबसे महत्वपूर्ण जगह और तीनों जगह पर मौजूद है एबीपी न्यूज के संवाददाता और एंकर, सीधा रुख करते हैं विकास भदौरिया का, विकास के पास कुछ जानकारी है, विकास आप मौजूद है विधानसभा? डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगी, उनके पास ईयरफोन नहीं है, मैं आपका सवाल उन तक पहुंचा दूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो मुझे आप बताइए। अखिलेश भी वहीं पर मौजूद है जहां पर मौजूद है विकास भदौरिया, तो अखिलेश जरा विकास के पास कुछ जानकारियां आ रही है, कुछ खबरें आ रही है, मुझे ये पता चला है, पूछिए कि सूत्र क्या बता रहे हैं उनके। जी
बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, और देखिए उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अंकित गुप्ता यहां से 20-25 कदम की दूरी पर दाहिनी तरफ मौजूद है मेरे, मतलब एबीपी न्यूज की जो कवरेज है उसके बारे में बता रहा हूं, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर संवाददाता तैनात है। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जहां से अंकित गुप्ता आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां अमित शाह भी मौजूद है। जैसे ही अमित शाह वहां से निकलेंगे, यहां मेरे पीछे से गुजरेंगे, ये गाड़ी गुजरेगी और बिल्कुल बाईं तरफ यहां पर रणवीर भी हैं, पंकज झा भी हैं, संजय त्रिपाठी भी हैं, मतलब हर खबर हर तस्वीर सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। विकास, कुछ नई जानकारी कुछ मिल रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल, देखिए 5 बजे का बाद का मुहूर्त है जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चुनाव होना है और 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, उससे पहले ही हमने यहाँ पर देखा कि मूवमेंट शुरू हुआ। स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह अभी अभी बीजेपी कार्यालय से निकल के लोक भवन गए हैं और विधायक दल की बैठक में वो शामिल हो चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।